केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने वायनाड जिले में हाल ही में हुए भीषण भूस्खलन में जान गंवा चुके लोगों के परिजनों को 6 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 6 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए राज्य आपदा राहत कोष से और शेष मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से दिए जाएंगे। विजय ने कहा कि भूस्खलन में आंखें और अंग खोने वाले या 60% तक विकलांगता का सामना करने वाले लोगों को CMDRF से 75,000 रुपए आवंटित किए जाएंगे, जबकि इस आपदा में 40-60% तक दिव्यांग होने वाले या गंभीर रूप से घायल होने वाले लोगों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो पीड़ित किराए के मकान या अपने रिश्तेदारों के साथ रहने का विकल्प चुनेंगे उन्हें पुनर्वास के लिए किराए के रूप में 6,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे।